माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इजियर टू बिल्ड नेटवर्क इन 2020 देन इन 2010 विद टेक्नोलॉजी। फटाफट एक लैपटॉप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट ले लीजिए। फोन अच्छा होना चाहिए, घर के अंदर एक अच्छी वाईफाई लगा दीजिए और अपने काम को लैपटॉप के साथ ही कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि आज की तारीख पे काम आपका बढ़ चुका है। मार्च में मेरी जो पीवी जाती थी 4 लाख जाती थी, आज के टाइम पे 10 से 12 लाख पीवी महीने का करता हूँ। मतलब 6 महीनों में मैंने अपने बिजनेस को ट्रिपल कर दिया, डबल नहीं ट्रिपल कर दिया। जस्ट इमेजिन करिए, दैट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग यूथ है, हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं। कुछ चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना है, ईगो जेलेसी, आपको सब कुछ आता है, हेट्रेड, एक्सपेक्टेशन, इम्प्रॉपर प्लानिंग, गलत लोगों के साथ काम करते रहते हो इसलिए वही रिजल्ट बार बार मिलते रहते हैं। नए लोगों के साथ काम करो ना, नए रिजल्ट मिलेंगे आपको। बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हो, ट्रेनिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो और कोई डिजिटल इवेंट अटेंड नहीं करते हो। इन सब चीज़ों से आपके बिजनेस के अंदर रुकावट आ सकती है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी, नेवर एवर मिस एनी डिजिटल मीटिंग्स, और अपने टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8% ईयर्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। आप फास्ट है तो अच्छी बात है, आपके टीम के अंदर कितने फास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आपको वेट था कि सर एक ही महीने में डायरेक्टर कैसे बने, ये देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने 4 हफ्ते डिवाइड किए हैं। हर हफ्ते के अंदर इंडिविजुअल काम हो रहा है। पहले हफ्ते में आप क्या कर रहे हो, आप खुद 100 PV की रिटेलिंग मिनिमम 5 लोगों के साथ करोगे, बुआ, चाचा, फ्रेंड, अंकल और आपका पड़ोसी। लेंगे तो लेंगे, और लेंगे क्यों नहीं, जब नॉलेज होगी आपके पास चीज़ों की और उनकी बीमारी देखोगे, उनकी नीड देखोगे, उनकी एक कहते हैं ना, बंदा वही लेगा जिसको नीड है, वही लेगा जिसके पास पैसा है, और वही लेगा जिसको जिसके पास क्विक डिसीजन मेकिंग पावर है। अब उससे बात कर रहे हो जिसके पास पैसा नहीं है वो कभी लेगा नहीं, अब उससे बात कर रहे हो जो कभी डिसीजन लेता ही नहीं है उससे तो कभी लेगा नहीं। डायरेक्टली उसके घर में कौन ऐसा बंदा है जो डिसीजन ले सकता है, उससे बात करिए, चीज़ें मिलेगी आपको। दूसरे हफ्ते में क्या किया आपने, अगेन दोबारा 5 रिटेलिंग की 100 PV के साथ, और आपके उसी 5 लोगों में से कोई एक ऐसा निकला जो आपके साथ ये बिजनेस करना चाहता है, उसको भी आपने सेम टारगेट दिया कि आपको भी 100 PV की रिटेल करनी है 5 लोगों के साथ एक ही हफ्ते के अंदर, तो आपकी सेकेंड हफ्ते की टोटल PV हो जाती है 1000। तीसरे हफ्ते में अगेन रेड बॉक्स के अंदर जो है वो आप हो, आपने अगेन तीसरे हफ्ते में 5 लोगों की रिटेलिंग की 100 PV के साथ मिनिमम। और 100 PVs क्यों करनी है, क्योंकि जब 4 महीनों के बाद आपको 100 PVs फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है कंपनी की तरफ से। ये एक लौती ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, आप बिग बाजार में जाइए, आप डीमार्ट में जाइए, आप 100 PV के सामान घर के लिए खरीदिए, 5 महीने में कोई आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं देंगे। यहां से 4 महीने के लिए लगातार 100 PV करिए, 5वें महीने में कंपनी आपको खुद 100 PV के फ्री प्रोडक्ट्स देगी। तो तीसरे हफ्ते में क्या होता है, किसी 2 लोगों को आपने पिक किया जिन्होंने 500 PV ईच की और आपने खुद 500 PV की, टोटल होगी 1500। चौथे हफ्ते में सेम आपने 5 लोगों को रिटेल किया और कोई भी 3 लोगों को आपने पिक किया क्योंकि आपकी टीम बड़ी हो गई है, जिन्होंने 500 PVs ईच की, चौथे हफ्ते में 500 500 500 2000 PV टोटल जब आप मिलाते हो सारी PVs हो जाती है लगभग 5000 PVs माय डियर फ्रेंड्स, और 5000 PV के साथ एक ही महीनों के अंदर आप पार कर लेते हो 4500 PVs एंड यू बिकम अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर इन वेस्टीज। आपकी इनकम हो सकती है 5 से लेकर 10,000 रुपये, राइट। और लास्ट में मंत्रा मेरा यही है, ज़्यादा लोगों को देखो, ज़्यादा प्लान्स दिखाओ, सी मोर पीपल शो मोर प्लान्स। अगेन आई रिपीट, ज़्यादा लोगों को देखो, ज़्यादा प्लान्स दिखाओ। ये बिजनेस पुराने लोगों के साथ करने का नहीं है, ये बिजनेस नए लोगों के साथ जुड़ने का है, नए फ्रेंड्स बनाने का है, नई शहरों में जाने का है, नई सिटीज में ट्रैवल करने का। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, कल मेरी 7 घंटे की ड्राइव है, मैं कुछ लोगों को मिलने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ तमिलनाडु तिरुची, और वहाँ पे मैं बस कुछ लोगों को मिलने जा रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करिए आप। उसके बाद वापस आऊँगा, 2 दिन के बाद मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, 2-3 दिन के बाद मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, एंड देन आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली। जस्ट इमेजिन करो मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं भी अपना नेटवर्क को हमेशा क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग माई नेटवर्क माई डियर फ्रेंड्स। आज मेरा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी की बात करो, आप चाहे गुजरात से लेके सिक्किम की बात करो, Everywhere I have my network. मेरा ड्रीम यही है वेस्टीज के अंदर कि मैं 30 साल के पहले फटाफट रिटायर, मैं रिटायर तो हुई अभी, मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगा फिर भी मेरे अकाउंट में 10 लाख आएंगे, और मेरा महीने का खर्चा होता है 1 लाख रुपये, उससे ज़्यादा नहीं होता, फिर भी कितने बचे 9 लाख, क्या करूँ भाई 9 लाख का बताओ, चैरिटी कर दूँ, दान कर दूँ, अकाउंट में डाल दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ, मौके ही मौके। जहाँ पे लोग 25 साल में सोचते हैं करियर का क्या करे,
जहां पे सोच उससे शादी करेंगे, वाइफ क्या पूछेगी करते क्या हो भाई। 25 साल की उम्र में यूथ आइकॉन्स ने अपनी लाइफ सेट कर दी है वेस्टीज के अंदर। मेरी अपलाइन है शिवम गोस्वामी, वो एक लाइन बोलती है खुशहाल जी, ऐसा दिन आएगा जहां पे लोग वेस्टीज लोगों की जब शादी करनी होगी तो उनके पिताजी बोलेंगे कि बेटी एक काम कर, तो वेस्टीज के कोई भी ब्रांच ऑफिस में चली जा, वहां से वॉइस मैगजीन खरीद ले, वॉइस मैगजीन के अंदर कई तरह को यूथ आइकॉन्स मिल जाएंगे, कोई भी एक पकड़ ले। बताओ ये भी टाइम आएगा, वेट एंड वॉच कीजिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार, वेस्टीज के अंदर वो पहली सुपर कार कौन सी होगी? लग्जरी कार्स तो आपने बहुत देखी होगी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर्स एंड ऑल दैट। सुपर कार्स अलग होती है, सुपर कार इज ऑल अबाउट फेरारीज एंड लैम्बोगिनीज एंड ऑल दैट। मेरी तो फेवरेट कार ही है लैम्बोगिनी। मैं तो मेरा ड्रीम है 30 साल के पहले लैम्बोगिनी निकालनी है, कुछ भी हो जाए 30 साल के पहले लैम्बोगिनी निकालनी है, कुछ भी हो जाए। कितने की है? 4 करोड़ की है, चल जाएगी, कोई बात नहीं है। 2-3 साल में मैं प्लान कर रहा हूँ मेरी इनकम 1 करोड़ रुपये कैसे पहुँचेगी। और 1 करोड़ अगर पहुँचेगी तो 4 महीने में 4 करोड़, 4 महीने में 4 करोड़ फुल कैश के साथ निकालो अपनी लैम्बोर्गिनी, मजा आएगा। कुछ करते हो ना लाइफ के, कुछ बड़ा सोचो यार। कब तक दीपिका पादुकोण की वॉलपेपर लगा के फिरोगे? कब तक दीपिका पादुकोण की फोटो लगा के फिरोगे? लगा नहीं है तो अपनी ड्रीम की, ड्रीम का फोटो लगाओ ना। नहीं सर, दीपिका पादुकोण मेरी ड्रीम है। अबे यार उसकी शादी हो गई है। लैम्बोर्गिनी का ड्रीम रखो। ड्रीम क्यों रखना चाहिए? कुछ भी रखो यार, जो चीज आपको एक्साइट करती है, इंस्पायर करती है, उसका ड्रीम रखो।